नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विशाल मैं रिसर्च एनलिस्ट हूं स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी में और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में अंबानी फैमिली वेल्थ टेन परसेंट ऑफ इंडिया जी डी रिपोर्ट एंड टॉप थ्री फैमिली बिजनेसेस वैल्यू क्लोज टू सिंगापोर रिपोर्ट नहीं, नहीं दोबारा से स्टार्ट करते हैं अंबानी फैमिली

उसका इंपैक्ट हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमारे लाइफ पे फाइनेंस पे क्या होगा तो बी रेडी फॉर बिजनेस आर्टिकल्स फाइनेंशियल आर्टिकल्स इकोनॉमिक आर्टिकल्स एंड जियो पोलिटिकल शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से पहले जो दो आर्टिकल्स हैं ये एक रिपोर्ट आई है अभी अभी रिलीज हुई है जहां पे कहा गया है कि अमानी फैमिली ये ओन करती है करीब टेन परसेंट ऑफ इंडिया जी डी पी ये रिपोर्ट का ये कहना है और दे हैव टॉप्ड लिस्ट तो यहाँ पे बाकलीस uh, का नाम कई लोगों ने सुना होगा जानता होगा अगर वो कॉमर्स या बैंकिंग डिपार्टमेंट से है सो इट्स इट्स वेरी बिग इंस्टीट्यूशन एंड टॉप किया है इनग्रल बाज इंडिया मोस्ट इंडिया मोस्ट वैल्यूबल फैमिली बिजनेस लिस्ट विद्युए सेवन फाइव थ्रिलियन रुपी एंड नियरली अटेंथ ऑफ इंडिया जी डी पी यस सो ये वैल्यूशन हुई है इनके फैमिली की एंड जो फैमिली बिजनेस है लेड बाय रिलायंस इंडस्ट्री ऑपरेट करता है एनर्जी में येस yes, आप देखते हैं रिलायंस पेट्रोलियम है इसके अलावा रिटेल है वी हैव रिलायंस ट्रेंड्स टेलीकॉम जियो आप जानते ही हैं एंड इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं तो अकॉर्डिंग टू टू थाउजेंड प्राइवेट क्लाइंट्स इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट ये रैंकिंग्स बेस की गई है वैल्यूएशन पे ठीक है एंड इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को एक्सक्लूड किया गया है इससे और लिक्विड एसिड्स को भी एक्सक्लूड किया है एंड देर इज एन एडजस्ट फॉर क्रॉस तो जो वैल्यू है अब यहाँ पे और देखिये वन पे तो अंबानी फैमिली है लेड बाय मुकेश अंबानी नंबर टू पे है बजाज फैमिली लेड बाई नीरज बजाज ऑफ बजाज ग्रोथ काफी ज्यादा डिफरेंस है ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन फाइव ट्रिलियन रुपी और इसके बाद सीधा सेवन सिंगल डिजिट में आ जाते हैं और फिर है आदित्य बिरला ग्रुप 5.35 फिर आते हैं जिंदिल नादव महिंद्रा फैमिली चौकसी फैमिली प्रेम जी फैमिली राजीव सिंह एंड मुर्गप्पा फैमिली ये तो टॉप टेन में आते हैं जिसमें कंपनीज की बात करें तो आपने देखा रिलायंस ग्रुप है बजाज है ग्रुप इसके बाद स्टील हैचसीएल टेक्नोलॉजी महिंद्रा एंड महिंद्रा एशियन पेंट विप्रो डीएलएफ ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया टॉप थ्री फैमिली बिजनेस वैल्यूड क्लोज टू सिंगापुर जीडीपी जो बजाज फैमिली है आपने देखा जी ये सेकंड पर आती है इस लिस्ट में वैल्यू है जिसकी 7.13 ट्रिलियन रुपीस लेड बाय नीरज बजाज इनकी पुणे बेस्ड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बिजनेस है थर्ड जनरेशन एंटरप्राइज है ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एंड बिरला भी थर्ड पे आता है यहाँ पे 5.39 ट्रिलियन रुपी के वैल्यूशन पे, पे विच इज अ फोर्थ जनरेशन बिजनेस और ये बिजनेस फोकस करता है मेटल्स माइनिंग सीमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पर तो टॉप थ्री इंडियन फैमिली बिजनेसेस है इनकी अगर वैल्यूएशन आप देखो तो ये होगी फोर बिलियन डॉलर्स ये इक्विवेलेंट है सिंगापुर के जीडीपी के एंड इस लिस्ट में और भी लोग फीचर करते हैं जैसे सज्जन फैमिली जहां पे 4.71 ट्रिलियन की वैल्यूएशन है नादर फैमिली है इसके अलावा और भी बिजनेसेस है तो टॉप टेन हमने चेक किया तो इसमें फर्स्ट जनरेशन फैमिली नहीं है आप देख सकते हैं ये जितने भी बिजनेसेस है थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन तक भी आ चुकी है एंड इसमें फर्स्ट जनरेशन फैमिलीज नहीं है अगर आप अडानी फैमिली को देखिए अडानी इज द मोस्ट वैल्यूड फर्स्ट जनरेशन फैमिली बिजनेस एट 15.4 ट्रिलियन रुपीस तो इस लिस्ट में अगर अंबानी की बात देखें तो अडानी जी को आना था ठीक है ओवरऑल बट वो नहीं आए क्योंकि यहां पर फर्स्ट जनरेशन फैमिली की बात नहीं क्योंकि इंडिया में फर्स्ट जनरेशन फैमिली बहुत कम है अडानी इसमें बहुत सक्सेसफुल है करीब फोर्टीन ट्रिलियन रुपी ठीक है यहां पे अडानी के बाद नंबर टू पे यही रैंक करते हैं अगर यहां पे फर्स्ट बिजनेस भी आता तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ट्वेंटी एट ठीक ट्वेंटी एट कंपनीज एंड यहां पे देखिए वैल्यूएशन फोर पॉइंट फाइव एट ट्रिलियन एंड ट्वेंटी थ्री कंपनीज इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड ट्वेंटी टू काफी फार्मासवेस है इंडिया के ग्लोबल को बढ़ाने के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक एक ऑटोमोबाइल में है एक मेटल माइनिंग स्टील एनर्जी टेक्नोलॉजी ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री है यहाँ पे एंड काफी इंडिया की कंपेटेटिवनेस को काफी ज्यादा इंक्रीज भी करती है ओवरऑल आते हैं दूसरे आर्टिकल पे आई टी फॉर्म लॉन्ग कर्व बिफोर रेवेन्यू विजिबिलिटी फ्रॉम जनरेटिव ए आई अब जनरेटिव ए आई की बात कर रहे हैं हर आदमी इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है सब लोग कहते हैं कि भाई इंडिया में कौन सी कंपनी है जो एआई पे काम कर रही है मैं आपको बता दू जितनी भी कंपनीज इंडिया में अभी इन्वेस्ट कर रही है ए आई में इसका फ्रूट इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला काफी वक्त लग सकता है रियल रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करने में रियल बिजनेस जनरेट करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि अभी यूएस की कंपनीज ये नहीं कर पा रही हैं अगर आप देखें रेवेन्यू जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आ रहा है और द डील पाइपलाइन इस सेगमेंट में अप्रैल जून की अगर बात करें तो इट वॉज मिसिंग इन द क्वार्टरली स्टेटमेंट्स ऑफ लार्ज इन आई सर्विसेज फर्म किसी ने भी अपने क्वार्टरली स्टेटमेंट्स में इसके बारे में कुछ मैं किया ही नहीं अदर देन एक्सटेंशन एंड टी तो इस क्वार्टर इन्होंने अवॉइड किया है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देने से जिस पे वो काम कर रहे हैं जितनी भी कंपनीज काम कर रही है ज्यादातर कंपनीज ने बताया नहीं वो आई एआई में किस पे काम कर रही है एंड सलील पारेख जो सीईओ है और मैनेजिंग डायरेक्टर है इन्फोसिस के इन्होंने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हम अभी नहीं शेयर कर रहे हैं एक्सटर्नली कि जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू या डील्स हमारी जनरेटिव ए आई अप्रोच यहां पर लेकर आएगी हमारे मार्केट में तो एवरीबडी इज कीपिंग इट टू दम सेल्स विद एटी फाइव टू नाइनटी परसेंट ऑफ ऑल पायलट नॉट मेकिंग इट टू प्रोडक्शन द लार्ज एंटरप्राइजेस To see gains. क्योंकि 85 से 90%, ये 85 90 95 यहाँ पे कोई ना तो रेवेन्यू का कुछ दिख रहा है मींस ना प्रोडक्शन का दिख रहा है सो so, यहाँ पे दैट इज वाई देर नॉट शेयरिंग दिस एंड यहाँ पे एंटरप्राइजेस आर फेलिंग टू सी एनी प्रोडक्टिविटी गेंस एंड दैट इज वाई बिलीव की काफी टाइम लगेगा जब हम मटेरियलाइज कर पाएंगे इसको फोर्सिबल फ्यूचर में और एक्चुअली जनरेट कर पाएंगे डील्स ने कहा कि उसने जनरेटिव एआई लेड डील पाइपलाइन है इसके पास जो टू बिलियन डॉलर तक की हो चुकी है जिसमें से उसने अर्न किया है फाइव हंड्रेड मिलियन डॉलर्स ये वन परसेंट है कंपनी के रेवेन्यू का मात्र टीसीएस ने कहा है कि उसका वन बिलियन डॉलर का पाइपलाइन रीच कर चुका है बट उन्होंने कोई रेवेन्यू शेयर नहीं दिया यहाँ पे एंड उन्होंने कहा है दे डू नॉट मूव द नीडल इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द बजट

एक्सपैंशनरी पॉलिसी आए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल बैंक की तरफ से एंड तभी कैपिटल एक्सपेंडिचर भरपूर आएगा एंड हमें लगता है ए आई में भी काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहां पे डिलीवर हो सकता है व्हेन इट कम्स टू आर कंपनीज जो सर्विस ओरियंटेड कंपनीज हैं इनके पास अच्छे खासे क्लाइंट्स आ सकते हैं कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स भी डिस्कस करते हैं ज्यादातर इसमें इंटरनेशनल आर्टिकल्स होंगे वेपन स्टार्टअप एंडल ने फोर्टीन बिलियन डॉलर का वैल्यूशन हिट कर लिया है

14 बिलियन डॉलर पर लेकर आती है जो लार्जेस्ट वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग है ऑफ द ईयर सो फार और कंपनी के सक्सेस को ये रिफ्लेक्ट भी करती है इन गेटिंग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कवरी शेयर स्लाइड 12% आफ्टर 9 बिलियन डॉलर्स राइट डाउन वॉर्नर ब्रदर्स की शेयर हैं डिस्कवरी शेयर ऑफ वॉर्नर्स वदर डिस्कवरी दे हैव प्लंक्ड 12% प्लंच मतलब नीचे जाना गिरना ड्रॉप ठीक है तो प्लंच हुआ ट्वेल्व परसेंट इन प्री मार्केट ट्रेडिंग ऑन थर्सडे आफ्टर नाइन पॉइंट वन बिलियन डॉलर्स राइट ऑफ ऑफ मीडिया जाइंट्स टीवी एसेट्स जिसके बाद फ्रेश कंसर्नस आ गए हैं ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस के लिए एंड वी नो दैट जितने भी ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस है अभी इंडिया में जितने भी आप देख रहे हो वी डोंट सी एनी वेरी बिग इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी ये बस चल रहे हैं इनके कुछ पुराने कस्टमर्स uh, कह सकते हो हैं या व्यूअर्स हैं जो इन्हें देखते हैं बट जो नया एज है न्यू एज uh, मैं कहूँगा मीडिया है इट इज कम्प्लीटली डिजिटल आपके फोन के स्क्रीन पे YouTube पर और एप्लीकेशंस पर है एंड लोग वहीं पर अपना सबसे ज्यादा समय बिता रहे हैं तो जितने भी ओल्ड ट्रेडिशनल मीडिया है मैं कहूँगा यहाँ पे इन्हें काफी ज्यादा रीथिंक करने की जरूरत है और रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है एंड कम्पलीटली ओवरहॉल करने की जरूरत है अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी ने रिपोर्ट किया है टेन बिलियन डॉलर नेट लॉस फॉर द सेकेंड क्वार्टर ड्यू टू राइट डाउन एंड यहाँ पे वॉल स्ट्रीट एस्टिमेट भी मिस कर दिए अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के लिए यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रीमिंग सब्सक्राइबर ग्रोथ है ये भी ना ट्रांजेक्शन so, yes, में आधे से ज्यादा कंपनी सर्वाइव ही नहीं करती है ठीक है आप देखोगे जो ट्रांजेक्शन होता है ना ओल्ड एज से न्यू एज प्रॉब्लम क्या होता है ना इस ट्रांजेक्शन में इट्स वेरी पेनफुल वाई सबसे पहले तो कभी भी अगर आप चेंज देखो चेंज इज वेरी सिंपल इन टर्म्स हम लोग देखेंगे इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन की चेंज इज ऑलवेज डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन एक चीज को डिस्ट्रॉय आपको करनी पड़ेगी तभी आप नई चीज क्रिएट करोगे डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन ये चलता रहता है एंड दैट इज हाउ वी इनोवेट दैट इज हाउ वी गो फॉरवर्ड एंड यही प्रॉब्लम आती है कि ज्यादातर जितनी भी कंपनीज है ये नहीं कर पाती है एंड दैट इज वाई दे हैव टू क्लोज दिजनेसेस एंड यहाँ पे वॉर्नर ब्रदर्स इज ट्राइंग वेरी हार्ड स्ट्रीमिंग सर्विसेज इनकी आ चुकी हैं वर्किंग रियली वेल अच्छे अच्छे इनके आप कह सकते हो लॉन्चेस भी रहे हैं प्रोडक्शन रहे हैं बट इट विल टेक टाइम कि आप पूरी तरीके से ट्रेडिशनल से नए न्यू बॉड पे शिफ्ट कर जाओ ई वी हाइब्रिड्स मेकअप हाफ ऑफ जुलाई जो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर प्लग इन हाइब्रिड एक माइलस्टोन है जो अंडरस्कोर करता है कि वर्ल्ड के बिगेस्ट कितना आगे निकल चुके हैं और सरपास कर चुके हैं अपने वेस्टर्न काउंटर पार्ट को इन ईवी एडोपीडोप्शन के मामले में आप कह सकते हैं कि एशिया ने बीट कर दिया है सारे वेस्टर्न कंट्रीज को स्पेसिफिकली चाइना की अगर आप बात करो तो 50% परसेंट व्हीकल जो चाइना में बिके हैं ये या तो प्योर इलेक्ट्रिक थे या तो हाइब्रिड थे बहुत ही बड़ा है ये एंड दिस इज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड आप सोचिए आधी गाड़ियां ईवी बिकना इट्स ऑन अ डिफरेंट स्केल जो न्यू एनर्जी व्हीकल्स हैं इनकी सेल्स जंप हुई है थर्टी सेवन परसेंट लास्ट मंथ इन द सेम पीरियड अर्लियर जहां पे रिकॉर्ड ग्रोथ हुआ फिफ्टी पॉइंट सेवन परसेंट का ये डेटा है चाइना पैसेंजर कार एसोसिएशन का अगर इंडिया में ऐसा हो जाए आई टेल यू दिस की हमारा मार्केट अभी रेडी हमारे प्रोडक्शन रेडी ही नहीं है इतनी सेल्स करने के लिए तो अगर इतनी डिमांड आ भी गई इट्स इम्पॉसिबल कि हम इस डिमांड को सर्व कर पाए हमारी कंपनीज के पास इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है अभी इतना इन्वेस्ट नहीं किया है इन्वेस्ट किया भी है तो थोड़ा लेट इन्वेस्ट किया है सो चाइना ने यहाँ पे तारीफ करनी होगी कि बिल्कुल अनथिंकेबल करके दिखा दिया वो भी पूरी दुनिया से पहले 7.1 मैग्नीट्यूड क्वेक हिट जापान सुनाल जापान में देखिए मैं कहूंगा कि अभी एक अर्थक्वेक ऑलरेडी गया है वाज़ अ फाइनेंशियल अर्थक्वेक मैं कहूंगा मैंने जो बैंक ऑफ जापान के जो नई पॉलिसीज आई इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पे इंक्रीज हुए स्टॉक मार्केट में हमें इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला इसकी वजह से ग्लोबल ग्लोबली सारे मार्केट्स हर्ट हुए इंडिया भी हर्ट हुआ है एंड अब यहाँ पे एक रियल अर्थक्वेक भी देखने को मिल रहा है सेवन पॉइंट वन का जहां पे सुनामी अलर्ट आ चुका है सो बट जापान इज वेरी यूज टू ऑल दीज फिन जो नेशनल अर्थक्वेक एंड सुनामीज साइक्लोन्स सो दे आर ऑलवेज वेरी वेल प्रिपेयर्ड एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड बाई फार आते हैं दूसरे आर्टिकल पे दिस इज आल्सो इंटरनेशनल बट ये इंडिया को काफी अफेक्ट करता है देखिए हमें बहुत अफेट करता है दिस इज व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस सबसे पहले तो ईवी वाला आर्टिकल भी हमारे लिए एक बेंचमार्क है कि चाइना जब इतनी जल्दी कर सकता है ये चीजें अचीव इंडिया शुड नॉट लाइक रियली बिहाइंड अब ये आर्टिकल है थ्री क्वार्टर ऑफ ग्लोबल कैरी ट्रेड नाउ अनव जेपी मॉगन जेपी मॉगन दुनिया के सबसे बड़े बैंक में से एक है ठीक है एंड वेन जेपी मॉगन स्पीक्स वी लिसन यहां पर थ्री क्वार्टर थ्री फोर्थ ऑफ जो ग्लोबल कैरी ट्रेड है अब इसे रिमूव कर दिया गया है रीसेंट सेल ऑफ इरेजिंग दिस इयर्स गेन्स अकॉर्डिंग टू जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी ये बात हो रही है कैरी ट्रेड की कैरी ट्रेड के बारे में काफी चर्चा हो रही थी अभी कुछ दिनों से एंड इट वॉज रिलेटेड टू जापान जापान में न का कैरी ट्रेड चल रहा था जहां पे बहुत ही जीरो परसेंट रेट पर लोग यन बोरो कर लेते थे आप कहेंगे जीरो परसेंट इंटरेस्ट पे लोन ले लिया आपने और उस पर अगर आपको वन परसेंट भी कहीं मिल रहा है लेट्स से इंटरेस्ट या रिटर्न uh, तो आप पूरा वन परसेंट कमा रहे हैं क्योंकि आपका कैपिटल फ्री है राइट right? तो इसके कैरी ट्रेड चल रहे थे जिसकी वजह से काफी ज्यादा हड़कम भी मच गया काफी वॉलीडिलिटी आ गई जब बैंक ऑफ जापान ने पॉलिसी चेंज की एंड अगर आप देखिए जो रिटर्न इन ग्रुप ऑफ टेन है इमर्जिंग मार्केट इमर्जिंग मार्केट क्या हो गया डेवलपिंग इकोनॉमी जैसे इंडिया चाइना ब्राजील वी आर इमर्जिंग मार्केट और डेवलप्ड मार्केट कौन से हो गए जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज तो जो ग्लोबल कैरी ट्रेड बास्केट है जो ट्रैक करती है बैंक दे हैव फॉलन आउट अबाउट टेन परसेंट सेंस में क्वानिटेटिव स्ट्रेटीज का कहना है एंड यहां पे जो भी रिटर्न्स थे सारे वाइप आउट हो चुके हैं ओवरऑल ग्लोबल कैरी बास्केट में से एंड सेवेंटी फाइव परसेंट ग्लोबल हो चुके हैं जेपी मॉर्गन की टीम का यह कहना है ठीक है तो जो ग्लोबल कैरी ट्रेड स्ट्रेटजी है बास्केट हैज प्लमेटेड ईल मतलब क्या होता है ईल मतलब होता है आप कह लो रिटर्न जब भी आप बॉन्ड परचेज करते हैं ना तो यहां पे आप

टॉकिंग अबाउट बट स्पेसिफिकली जो अभी इतनी टर्बुलेंस आई मार्केट्स में जितने भी इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं इन्हें तो पता होगा इनको पोर्टफोलियो पे काफी ज्यादा डिफरेंस इन्हें देखने को मिला होगा पिछले एक हफ्तों में अभी भी काफी वॉलीटिलिटी है ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इन चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं कि, कि किस तरीके से ओवरऑल जो यंग कैरी ट्रेड है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था यहाँ पे एंड दूसरी चीज जो रोल प्ले कर रही थी वो क्या थी ये थी यूएस इकोनॉमी में रिसेशन की फेयर तो जेपी मॉर्गन ने रेस किया है ऑफ रिसेशन टू दिस ईयर बाय यस कह रहा है कि अब जो यूएस में रिसेशन की प्रोबेबिलिटी है वो ट्वेंटी फाइव परसेंट से थर्टी फाइव परसेंट हो चुकी है यस yes. एंड यहां पे एक तो वीकर देन एक्सपेक्टेड जुलाई जॉब रिपोर्ट आई है येन अनवाइंडिंग हुआ ठीक है येन अनवाइंडिंग कैरी ट्रेड जिसके वजह से ग्लोबल इक्विटीज में सेल ऑफ भी आया मार्केट करेंटली प्राइसिंग कर रही है हंड्रेड परसेंट चांस ऑफ अ बेसिस इंटरेस्ट रेट कट इन सेप्टेम्बर मार्केट के चल चुकी है मार्केट ने पूरा फैक्टर uh, इन कर लिया कि सितंबर में 50 बेसिस पॉइंट मतलब 0.5 परसेंट का रेट कट होने वाला है इंटरेस्ट पे यूएस में वेज इन्फ्लेशन अभी स्लो हो रहा है इन अ मैनर जिसमें हमने कभी दूसरी इकोनॉमीज में देखा ही नहीं है ठीक है ये कहना है इकोनॉमीज का एट वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज एंड लेबर मार्केट कंडीशन भी ईज हो रही है जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है दोनों का सर्विस प्राइस इन्फ्लेशन भी हो सकता है नीचे जाए एंड फेडरल रिजर्व की जो करंट पॉलिसी सांस है वो रिस्ट्रिक्टिव है बस एक चीज पे नजर रखना है हमें क्या इसराइल एंड ईरान यहां पे अगर हमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है वॉलिटरी देखने को मिल जाती है दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर क्रूड ऑयल ये क्रूड ऑयल बड़ा परेशान करता है इंडिया को भी एंड अगर इंडिया इज नॉट प्रिपेयर्ड अगर मैं सही बताऊं कि अब ऑयल प्राइस फिर से बढ़ जा और $100 जाए और हंड्रेड डॉलर पहुंच जाए वी आर नॉट प्रिपेयर्ड हमारे सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा एंड हमें फिर और हो सकता है दो साल और वेट करना पड़े फॉर द नेक्स्ट रेट कट चाइनीज डिपेंडेंस इंडिया हैज डिफिकल्ट चॉइस वी आर डिस्कसिंग एन एडिटोियल आर्टिकल यहाँ पे ठीक है यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एक्सपर्टाइड करेंगे मतलब फास्ट्रैक करेंगे और स्टील लाइन करेंगे वीजा अप्रूवल अप्रूवल फॉर चाइनीज टेक्नीशियंस कल ही डिस्कस किया है हमने आर्टिकल में आप चेकआउट कर सकते हैं उन टेक्नीशियंस के लिए चाइना से आने वाले जो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है उन्हें वेलकम किया जाएगा इनके लिए कंप्लायंस और कॉम्प्लिकेशन सब ईजी कर दिए जाएंगे पर्टिकुलरली जो फोर्टी सेक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट ने पी के लिए चूज किए हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के लिए इनको चूज किया गया है ठीक है तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि जो ओवरऑल प्रोसेस है 30 से पैंतालीस दिन लगेंगे एंड बिजनेस ई वीजा वैलिड होगा सिक्स मंथ्स के लिए सेवरल बिजनेस ने आर्ग्यू किया कि जो वीजा रिलेटेड मैटर्स है ना ये अफेक्ट कर रहे हैं इनके प्रोडक्शन को ओवरऑल इनके प्रोडक्टिविटी को भी तो होप किया जा रहा है कि इनिशिएटिव एड्रेस करेगा ऐसे कंसर्न को वीजा इश्यू किए जाएंगे कंपनीज के लिए नॉट विद इन द पोर्वी ऑफ पी एल आई स्कीम्स एज वेल तो गवर्नमेंट ने एड्रेस किया है वीजा प्रॉब्लम गवर्नमेंट ने शेयर होल्डर्स की बात सुनी इन्वेस्टर्स की बात सुनी एंड यहाँ पे एक दूसरा बड़ा इश्यू भी डिबेट किया जा रहा है वो किया जा रहा है चाइनीज इन्वेस्टमेंट देखिए इस वक्त यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज से हमें वो इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही है जो दैट वी आर एक्सपेक्टिंग अगर आप ओवरऑल एफ का डेटा देखें तो पिछले तीन चार साल का आप एफडीआई का डेटा देखिए हम कहा स्टैंड करते हैं अस्सी ड्रॉप हो गया एफ डी हमारा फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है और हमें शायद यहाँ चाइना से भी हाथ मिलाना पड़ेगा बट कई लोग इस पर डिबेट कर रहे हैं इस so, वक्त क्योंकि चाइना गिवन जो उसका डोमिनेंट पोजीशन है ग्लोबल सप्लाई चेन में मेंसिबल है इंडिया के लिए कि वो इंडिग्रियल पार्ट बने उस नेटवर्क्स का इंडिपेंडेंटली और जो पॉवेसिव रीच है ना चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग मीन की ठीक है दैट एनी एफर्ट बाय इंडिया टू रोन ग्लोबल सप्लाई इसको इंटरसे करेगा कौन चाइनीज इंटरेस्ट यस इतना इन्होंने अपना रीच फैला दिया हम भी अपना स्ट ग्लोबल सप्लाई चेन बनाए हर एक कंट्री में मैन्यूफेक्चरिंग सप्लाई हर चीज इट इज इंपॉसिबल कि हम चाइनीज को वहां पर कॉम्बैट ना करें चाइनीज ऑपरेशन से कंपीट ना करें ये पॉसिबल ही नहीं है तो वीजा इश्यू एक आ, आ, क्लियरली अंडरस्कोर करता है इस पॉइंट को कि इंडिया के पास दो ऑप्शन है या तो इंटीग्रेट करे डीपली इंटू चाइना सप्लाई चेन जिससे हमारा इम्पोर्ट जो है वो इंक्रीज uh, होगा और हम लोग फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगे फ्रॉम चाइना यस चाइनीज यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेंगे कंपनीज तो अपनी सेटअप करेंगे इससे लेकिन जो डोमेस्टिक कंपनीज है इनको बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन इसकी भी जमेंट हो सकती है की की, जहां को हम लिमिट कर सकते हैं और यहां पे एग्जाम्पल दिया गया ब्राजील का टर्की का और आर्ग्यू किया गया कि एनकरेजिंग एफडीआई वुड बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड बायस एक्सपोर्ट एंड चाइनीज इन्वेस्टमेंट इंडिया में अगर आता है तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा ट्रेड डेफिशियट भी हमारा सही होगा चाइना से बहुत ही बड़ा ट्रेड है हम लोग बहुत कम चीज़ें आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है टेक्नोलॉजी आ सकती है मैनेजीरियल स्किल्स हम लोग स्किल्स हम लोग एनहांस कर सकते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट को काफ़ी कम कर सकते हैं लेकिन ये बेनिफिट्स आएंगे विद कंसिडरेबल कंसर्न एंड रिस्क जो इन्फ्लक्स है चाइनीस कैपिटल का ये इन्फ्लुएंस करता है बहुत सारे रिस्क जो गवर्नमेंट भी जिसे समझती है इस वक्त जैसे कि हमारा जो डेटा सिक्योरिटी है नेशनल सिक्योरिटी है बिकॉज पॉलिटिकली वी आर राइवल्स एंड दोनों की पॉलिसीज बहुत ऑपोजिट रहती है एक दूसरे के एंड काफी कॉन्फ्लिक्स भी है हमारे इट कम्स टू लैंड बॉर्डर्स तो इट इज वेरी हार्ड इट विल बी वेरी हार्ड कि हम नेविगेट करें एफ डी आई और यू नो बहुत ही फ्रेंडली इकोनॉमिक पॉलिसी बट एक अग्रेसिव पॉलिटिकल पॉलिसी जीओ पॉलिटिकल पॉलिसी चाइना के अगेंस्ट तो गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है दो हजार बीस में कि जो इन्वेस्टमेंट आ रही है कंट्रीज से जो शेयर करते हैं लैंड बॉर्डर विथ इंडिया उसको अप्रूवल हमें देना पड़ेगा ठीक है एंड यहां पे जो इंडिया का रिलायंस है स्पेसिफिकली मतलब डिपेंडेंस है इंपोर्ट इनपुट्स पे फ्रॉम चाइना ये क्रिटिकल सेक्टर्स में जैसे कि सेमीकंडक्टर्स ऑटोमोबाइल टेलीकम्युनिकेशन और एनर्जी भी ये बहुत ही ज्यादा हो चुका है यहां पे डेफिशिट हो चुका है 85 बिलियन डॉलर्स का इतना तो हमारा ट्रेड पार्टनरशिप भी नहीं है कितनी सारी कंट्रीज के साथ जितने का तो डेफिशिट है सिर्फ इस सेक्टर में बिसाइज ट्रेड फिगर्स अलोन ये खाली प्रोवाइड नहीं करते हैं कंप्लीट पिक्चर क्योंकि चाइनीज कॉम्स रीआउट करती है अपना सप्लाई वियतनाम से वियतनाम को तो प्रॉक्सी बुलाया जाने लग गया है चाइना का वियतनाम से जो भी चीजें आ रही है हमारे पास या किसी भी कंट्री में वो इसीलिए आ रही है क्योंकि क्योंकि चाइना का नाम थोड़ा खराब हो गया है काफी सारी कंपनीज क्या कर रही है चाइनीज वियतनाम में शिफ्ट कर ले रही है वही सेम चीज वो वियतनाम के थ्रू बेच रही है उस कंट्री को तो कुछ फर्क उन्हें नहीं पड़ रहा तो जो डिपेंडेंस है चाइना पे कपल विद करंट रेगुलशन एंड नेशनल सिक्योरिटी कंसर्स ये हाईली कॉम्प्लेक्स एनवाइ क्रिएट कर रही है इस टाइम पे क्योंकि एक तरफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं दूसरी तरफ सिक्योरिटी वाली टेंशन है पॉलिटिकल टेंशन है तो जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है चाइना के साथ ये ईजी नहीं रहने वाला कि हम दोनों दरवाजे खोल दे चाइनीज इन्वेस्टमेंट के लिए बट जो वीजा डिसीजन है ये अंडरस्कोर करता है कि चाइना को इग्नोर किया नहीं जा सकता लव मी और हेट मी यू के नॉट इग्नोर मी वी के नॉट

क्योंकि भाई मानसून बढ़िया होगा तो रूरल में रूरल एरियाज में लोगों की इनकम बढ़ती है एंड यहाँ पे जो कंजम्पशन है ना आप देखेंगे पिछले चार साल से रूरल एरियाज का कंजम्पशन बहुत ही कम हो रखा था एंड एफएमसीजी सेक्टर पिछले चार साल से इसे आप देखेंगे कि सबसे अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है निफ्टी देखिए सेंसेक्स देखिए इसमें जाके स्टॉक्स चेक करिए यूनिलिवर नेस्ले डाबर मारिको जितनी भी कंपनीज हैं पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूं मैं पूरे सेक्टर की काफी अंडर परफॉर्मर रही है ये कंपेरेटिवली बाकी सेक्टर से तो रीजन यही रहा है बट अब यहाँ पे हमें मिला है एक रिवर्सल और ये रिवर्सल आया है कंजम्पशन ट्रेंड में रूरल इंडिया में फाइनली लोगों ने कंजम्पशन इंक्रीज कर दिया है यस yes, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर है अभी ये ग्रो कर रहा है फोर परसेंट बाई वैल्यू इन अप्रैल जून क्वार्टर ओवर द सेम पीरियड लास्ट ईयर ऑन द बैक ऑफ रिलैक्स कंजम्पशन पैटर्न जो रिलैक्स हुआ है और कंज्यूमर रीच इंक्रीज हुई है तो वॉल्यूम्स बढ़े हैं थ्री पॉइंट एट परसेंट ओवरऑल प्राइस भी स्टेबलाइज है ठीक है प्राइस ग्रोथ स्टेबलाइज हुआ है एट जीरो पॉइंट टू परसेंट जहां पे स्टेबल एनवायरमेंट है इस वक्त रूरल वॉल्यूम्स ग्रोथ में भी फाइव पॉइंट टू परसेंट अर्बन में था ये टू पॉइंट एट परसेंट तो अर्बन में यूजुअली आप देखेंगे शहरों में पर कैपिटल इनकम लोगों की ज्यादा है लेकिन जो ग्रॉस अगर आप देखें कंजम्शन है क्योंकि रूरल इंडिया बहुत बड़ा है बहुत ही ज्यादा मेजोरिटी ऑफ लोग इंडिया में रूरल में ही है विच इज आई वुड से द ट्रू इंडिया जहां सेवेंटी लोग रिसाइड करते हैं तो यहां पे अगर कंजम्पशन इंप्रूव होती है तो एफ में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलती है तो यही हमें देखने को मिल भी रहा है और आप चेक कीजिए अभी इस वक्त एफ सेक्टर के स्टॉक्स को दे आर परफॉर्मिंग सो वेल कि मार्केट के बिल्कुल विपरीत ये वैसे भी चलते हैं बट अभी देखने को मिल रहा है कि खास करके इस वक्त बहुत ही बढ़िया ट्रेंड है एफ सेक्टर के स्टॉक्स में सो so, वी क्ट कि मानसून ऐसे ही बढ़िया रहे एंड हमें बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले इन टर्म्स ऑफ कहेंगे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है यस yes, जो पॉपुलेशन है ओवरऑल एवरेज इनकम रूरल इंडिया की अगर इंक्रीज होती है क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो बजट भी आया है इस बार अगर आप देखो तो रूरल इंडिया के लिए काफी सारे स्कीम्स आए हैं ओवरऑल सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मानसून के साथ साथ क्योंकि सरकार भी काफी ज्यादा प्लीज करने की कोशिश कर रही है रूरल इंडिया को तो यहाँ पे इनका पर कैपिटा इनकम बढ़ सकता है अगले पांच सालों में और यहीं पे एफएमसीजी सेक्टर के लिए भी अगले पांच सालों में बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल सकती है When it comes to rural India and overall भी, तो we expect कि इसी तरीके से ये ग्रोथ बनी रहे एंड वी हैव टू सी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है अगले पांच साल में रूरल इंडिया को इसका बेनिफिट मिलता है यानी एंड ओवरऑल जो कंजम्पशन है और पर कैपिटा इनकम है ये, ये यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिलता है यानी ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज एज वेल एज अदर फैक्टर्स सो तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद